अस्सलाम जी, मैं खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो सिविल कोर्ट्स हैं और एप्लाइड कोर्ट्स हैं उनकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो वर्ड जुरिस्डिक्शन है इसका मीनिंग देख लेते हैं कि जुरिस्डिक्शन का मीनिंग क्या है। जुरिस्डिक्शन मीन्स द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स। तो इसका क्या मतलब है ये जो जुरिस्डिक्शन है कि जब लॉ किसी कोर्ट को कोई अथॉरिटी देता है, कोई पावर देता है कि जब आपके पास इस नेचर का डिस्प्यूट आएगा, इस नेचर का एक सूट आएगा, तो आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप इस तरह के सूट को सुन सकते हैं, उसको उसमें लीगल डिसीजन पास कर सकते हैं, उसमें जजमेंट दे सकते हैं, उस मैटर को एडजुडिकेट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कोर्ट की ये जो पावर है, कोर्ट की ये जो अथॉरिटी है, जो लॉ उसे प्रोवाइड कर रहा है किसी सिविल सूट को एडजुडिकेट करने की, उसमें डिसीजन पास करने की, तो इस अथॉरिटी, इस पावर को जुरिस्डिक्शन कहेंगे। अब ये जुरिस्डिक्शन कई टाइप्स की हो सकती है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो सकती है कोर्ट की, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो सकती है, या फिर सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग हो सकती है जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसकी टाइप्स हैं वो मैं सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मीनिंग देख लेते हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है उसकी जितनी वैल्यू होती है उसको कोर्ट ने देखना होता है और डिटरमिन करना होता है कि क्या मेरे पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है इस सूट को सुनने की या नहीं। आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो ये जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है ये पैसों से रिलेटेड होती है, ये मनी से रिलेटेड होती है कि कोर्ट इतनी मालियत का सूट सुन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग एक सिविल सूट फाइल करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट ने देखना होता है कि ये जो सूट फाइल किया गया है, इस सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी कितनी वैल्यू है, और फिर उसकी वैल्यू देख के तो कोर्ट अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो सब्जेक्ट मैटर होता है इसका क्या मतलब है, जिस चीज़ से रिलेटेड हम लोग कोर्ट में जा के सूट फाइल करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों ने किसी लैंड से रिलेटेड सूट फाइल किया है तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो लैंड है। अगर किसी गार्डन से रिलेटेड सूट फाइल किया है या फिर किसी घर की पार्टीशन का सूट फाइल किया है तो हमारा सब्जेक्ट मैटर वो घर होगा। तो कोर्ट देखेगी कि इस सब्जेक्ट मैटर की कितनी वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लैंड को रिकवर करने का हमने सूट फाइल किया है, हमारा सब्जेक्ट मैटर लैंड है, और उस लैंड की जो वैल्यू है वो अगर 5 लाख है, तो कोर्ट देखेगी कि क्या मेरे पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है इस 5 लाख की मालियत का दावा सुनने की। तो कोर्ट फिर अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को देखते हुए उस सूट को इंटरटेन करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर देखा जाए तो जो सिविल जज थर्ड क्लास होता है उसकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है वो 10 लाख है। तो अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर हम लोगों ने एक लैंड से रिलेटेड सूट फाइल की है और उस लैंड की जो वैल्यू है वो 5 लाख है, तो यहाँ पे कोर्ट ने जब ये देखा कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है उसकी वैल्यू 5 लाख है और मेरी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो 10 लाख है, तो यहाँ पे कोर्ट के पास इख्तियार होगा उस सूट को सुनने का, क्योंकि कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो 10 लाख है। कोर्ट जो है वो 10 लाख की मालियत तक का जो सूट है वो सुन सकती है, और यहाँ पे जो सूट फाइल किया गया है वो 10 लाख से कम मालियत का फाइल किया गया है। तो ये कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। और अगर कोई सूट फाइल किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो वैल्यू है वो अगर 12 लाख है और जो जुरिस्डिक्शन बन रही है कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वो 10 लाख बन रही है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी,
कोर्ट उस प्लेंट को रिटर्न करने का ऑर्डर पास करेगी अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 और कहेगी कि मेरे पास जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस सूट इस प्लेंट को इंटरटेन करने की, लिहाजा ये जो प्लेंट है इसको प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए जिस कोर्ट के पास जो रिस्ट्रिक्शन है इस प्लेंट को इंटरटेन करने की। अब सिविल कोर्ट्स की जो पिक्यूनरी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको देख लेते हैं। जो रेलेवेंट प्रोविजन है सीपीसी में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड वो सेक्शन 6 सीपीसी है। उसके बाद अगर पंजाब सिविल कोर्ट्स आर्डिनेंस की बात की जाए तो इसका जो सेक्शन 3 है, उसके बाद सेक्शन 7 और सेक्शन 9 है, ये इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। तो पहले पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को डिस्कस करने से पहले क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स को देख लेते हैं और फिर हर क्लास की जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उसको देखेंगे। तो जो पंजाब सिविल कोर्ट्स आर्डिनेंस है 1962, उसका जो सेक्शन 3 है उसमें क्लासेस ऑफ कोर्ट्स बताई गई हैं। उसमें कह रहे हैं कि देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो सबसे पहले जो क्लास है द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद द कोर्ट ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और लास्ट पे द कोर्ट ऑफ द सिविल जज। तो ये जो सिविल कोर्ट्स हैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और फिर लास्ट पे जो सिविल जज है। सिविल जज की मज़ीद 3 जो है वो क्लासेस हैं, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकंड क्लास और सिविल जज थर्ड क्लास। तो अब ये इनकी क्लासेस होगी सिविल कोर्ट्स की। अब इनकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को देखते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया है पंजाब सिविल कोर्ट्स आर्डिनेंस के सेक्शन 7 में। इसमें कह रहे हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन सूट्स एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी इनेक्टमेंट ऑफ द फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन द ओरिजिनल सूट्स विदाउट लिमिट एज रिगार्ड्स द वैल्यू। तो अब यहाँ पे जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बता रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज की, इसमें कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज अब जब अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए एक सिविल सूट को इंटरटेन करेगा, एक सिविल सूट को सुनेगा, तो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई इस सेक्शन में। अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होगी डिस्ट्रिक्ट जज की। तो यहाँ पे कोई भी बार नहीं लगाई गई कि इतनी लिमिट तक जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो एक सिविल सूट सुन सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की अगर बात की जाए तो वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रखता है डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद अगर जो सिविल कोर्ट्स हैं, जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास है, उनकी अगर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है वो भी अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रखता है, और अगर सेकंड क्लास की बात की जाए तो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 50 लाख है। उसके बाद अगर सिविल जज थर्ड क्लास की बात की जाए तो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 10 लाख है। अब जो सेक्शन 9 है पंजाब सिविल कोर्ट्स आर्डिनेंस का, उसमें बताया गया है कि ये जो सिविल जजेस की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है ये डिटर्मन कौन करेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो सिविल जज थर्ड क्लास है उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 10 लाख है और जो सेकंड क्लास है उसकी 50 लाख है, तो ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिटर्मन कौन करेगा। तो सेक्शन 9 द जुरिस्डिक्शन टू बी एक्सरसाइज्ड इन ओरिजिनल सिविल सूट्स एज रिगार्ड्स द वैल्यू बाय एनी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ सिविल जज शैल बी डिटर्मन्ड बाय द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट डिटर्मन करेगी उनकी सिविल जजेस की क्लासेस के लिहाज से कि अगर सिविल जज थर्ड क्लास है तो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है, जो सेकंड क्लास है उसकी कितनी है। फॉर एग्जांपल पहले जो सेकंड जो सिविल जज थर्ड क्लास था उसकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन थी वो 5 लाख थी, और अब हाई कोर्ट ने 5 लाख से बढ़ा के तो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 10 लाख कर दी है। अब एपलेट कोर्ट्स की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को देख लेते हैं। एपलेट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी शामिल है और हाई कोर्ट भी आती है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो वो 50 मिलियन से कम है। फॉर एग्जांपल अगर सिविल कोर्ट कोई डिग्री पास करती है
और उस डिक्री के अगेंस्ट अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील फाइल करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगी कि ये जो मेरे पास अपील आई है इस केस में ओरिजिनल सूट की कितनी वैल्यू है या फिर कितनी अमाउंट है, तो फिर उस ओरिजिनल सूट की का जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू उसकी अमाउंट देख के तो कोर्ट अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को डिटर्मन करेगी। और अगर जो सिविल कोर्ट ने डिग्री पास की है और उस ओरिजिनल सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू अगर 50 मिलियन से कम बन रही है तो फिर ही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी उसके पास एपलेट पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होगी और फिर ही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी उस अपील को इंटरटेन कर सकती है। लेकिन अगर उस ओरिजिनल सूट की वैल्यू या फिर अमाउंट अगर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा उस अपील को सुनने का, इंटरटेन करने का। फिर वो अपील डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट उस अपील को सुनेगी, इंटरटेन करेगी। ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।